फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर वॉलपेपर चेंज करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। रियलमी के मोबाइल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको सेटिंग ओपन करना है, फिर आपके सामने इस इंटरफेस आएगा, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर प्रोक्योर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सेट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वॉलपेपर स्टार्टिंग वॉलपेपर पे क्लिक करना है। फिर तो यहाँ पर काफ़ी आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। और बात करें यहाँ पर वॉलपेपर की, तो यहाँ से भी आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिखाती है, इस पर क्लिक कर देना है, वॉलपेपर पर क्लिक करना है और ये सेटअप हो जाएगा। सेट एस वॉलपेपर पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने और काफ़ी ऑप्शन ओपन होता है, सेट लॉक स्क्रीन। अगर आपको लॉक स्क्रीन पर सेट करना है तो लॉक स्क्रीन पर सेटअप करेंगे आप। अगर आपको इसको होम स्क्रीन से सेटअप करना है तो आप होम स्क्रीन पर सेटअप करेंगे। अगर एक ही वॉलपेपर आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पर सेटअप करना है तो आपको सेट एस बोथ पर क्लिक करना है। तो मैं इसे लॉक स्क्रीन पर कर रही हूँ, लॉक करना है और चेक करना हो चुका सेटअप। ये देखिए हो चुका है वॉलपेपर सेटअप। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेटअप कर लेना है। अब बैक करेंगे और भी वॉलपेपर की बात करूं तो यहाँ पर आपको काफ़ी मिलता है वॉलपेपर, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, आपको डाउनलोड करना है और इस तरीके से मान लीजिए ये पहले से डाउनलोड है, इस पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और मैं इसे कर रही हूँ होम स्क्रीन पर। ये देखिए होम स्क्रीन आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत और लग चुका है वॉलपेपर। और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर भी आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है। मान लीजिए आप लॉन्ग प्रेस करेंगे स्क्रीन पर और आप वॉलपेपर का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं वॉलपेपर, बस आपको क्लिक करना है, वो अप्लाई हो जाता है। ये देखिए अब ये होम स्क्रीन पर अप्लाई होगा। और बात करें फोटो, अगर आपको सेटअप करना है तो आपको यहाँ पर वॉलपेपर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा मोर वॉलपेपर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर फोटो सेटिंग पर पहुँचेंगे। शॉर्टकट तरीका है यहाँ तक पहुँचने का, और यहाँ से आपको जो भी फोटो सेटअप करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको फोटो सेटअप करना है इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर फोटो पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर फोटो पे जैसे आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगा। किसी फोटो को आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फोटो इस पर क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ पर सेट एस बोथ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैं सेट एस बोथ पे क्लिक कर रही हूँ, यानी कि एक ही वॉलपेपर पर यहाँ पर एक ही फोटो यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए आपको लॉक करके और यहाँ पर ये देखिए सेटअप हो चुका। तो ऐसे आपको यहाँ पर सेटअप करना है वॉलपेपर, फोटो भी आप सेटअप कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सेटिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।